हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? गाड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, खाना पीना खा के सब हो चुके हैं सेट। 15 बंदे गाड़ियाँ अपनी अपनी साफ करके भगा दी इन्होंने हाईवे पे। स्कॉर्पियो हमारी जा चुकी है आगे और हमारा टाइम बच गया जी 8 घंटे 11 मिनट। इसमें पहुँचना हमने श्रीनगर, जो कि मुश्किल से 10 घंटे लग जाएंगे हमें। लेट इसलिए हो रहे क्योंकि भाई फीमेल है हमारे साथ, तो थोड़ा समझना पड़ता। और सामने का व्यू देखो भाई, नज़ारे और एक डोरीमोन छेड़ता जान लाग रहा। गाड़ी में गाड़ी नहीं चलाने दे रहे, तो नींद आ रही ऊपर तो ही बक बक। सुबह सुबह सूर्य देव ने दे दिए दर्शन। जय श्री सूर्य नारायण नमो नमः। और यहाँ के रास्तों में धीरे धीरे सुधार करते हुए कुछ टनलें बहुत अच्छी बनाई, और टूरिज्म को काफ़ी सपोर्ट कर रही है J&K सरकार, जो कि काफ़ी अच्छे हाईवे आर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड कर दी यहाँ पे। और मेन बात आजकल यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि भाई बंदे लड़ाई झगड़ा कोई पत्थरबाजी कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हम पूरा श्रीनगर घूमे, डल लेक घूमे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई हमें। आराम से होटलों में भी रुके थे, काफ़ी लोग कह रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा माहौल हो गया, डरने वरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाकी हमारे जवान देख लो, एक जत्था तो निकल चुका है भाई नाव में। उसके बाद हम खाने गए मशहूर आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद एक खास बात थी, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ। फिर मैंने खिंचवाया एक फ़ोटो बढ़िया सुबह सुबह, क्योंकि हम उठ चुके हैं। सुबह फिर मिले सूर्यदेव, हमने किया सूर्यदेव को प्रणाम। एक मैडम ने फ़ोटो खिंचवाया मेरी, कह लिया बोली मैं एक फ़ोटो खिंचवाऊँगी, खिंचवा गए। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको ये ट्रॉफी जो कि जम चुकी है। भाई साहब हमारे सारे उठ चुके हैं तैयार होने के लिए, और ये मैडम दिखा रही स्टंट, अगर गिरी तो कोई नहीं संभालेगा। और भाई ये कच्चा रात में रह गया बाहर, तो बेचारा अकड़ गया, अब ये ट्रॉफी बन चुका है। उसके बाद हम नाव के जरिए आए बाहर और घूमने के लिए गाड़ियों में बैठ के हो गए सवार। तो जितना भी हम श्रीनगर घूमे अभी तक, गुलमर्ग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम वैसे तो वहाँ जाने से पहले हमने खाया यादव ढाबे पे खाना, जो कि हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। और गोलू ने खाए भाई 5 पराठे आज हमारे ने पेट भर के, और पीछे बैठी हुई हमारी लडुआ वहाँ खाए 2 लडुआ। और उसके बाद ये नज़ारे देखो सड़कों के, मैं लिकड़ा बाहर, बाहर लिकड़ती आँखें मका गया पानी में, उल्टा भीतर घुट गया अपनी गाड़ी में। उसके बाद भाई बर्फ़ नहीं दिखी, यो गुलमर्ग है खाली पड़ा बंजर, मेरी गल हो गया धोखा। इस धोखे का जिम्मेदार है खान साहब, जिसको दिया हमने शोल से सम्मानित। उसके बाद भाई मैंने वीडियो बनाई, आंट के देखा है कि दिख जाए तो बर्फ चश्मा ला के देखा, दूर था ही नहीं बनी बात। फिर एक झील जमी पाई हूँ थोड़ी सी थी बर्फ, फिर मैंने 2 खटे है अभी घूम काया। उसके बाद भाई एक रेडे में बैठ के इन्हें भी चक्कर मारे, 2 चक्कर मार को गया राजी रफिया फूक का, कोई काम नहीं था। ओ वाह वाह, फिर ग्रुप फोटो करा कर हम चल पड़े दरंग की तरफ, जहाँ कह रहे थे बहुत ज़्यादा बर्फ है। यो था भाई झरना दरंग, तो झरने में पानी था नहीं, नीचे बह रहा था, ऊपर कोई झरना नहीं देखने को मिल रहा था, व्यू बहुत अच्छा था। शायद मियाँ चल दिया हमारे आगे की तरफ की बर्फ़ देख के आएंगे, काश यहाँ बर्फ देखने को मिल गई हमें, बस शुक्र है। तो हम कूदते हो गए रस्तों से, अपना पहुंच गए धीरे धीरे ठंड के माहौल में। यहाँ मिली देखने को बहुत सारी बर्फ। उसके बाद शायद मियाँ ने किया एक स्टंट, फिर दिखाया मैंने एक व्यू, वाओ। फिर सारे ग्रुप ने आग सेकी, चाय पी, मैं भी एक चाय पी कर आ गए अपने घर ने। फिर हमने प्याज टमाटर काटे, क्योंकि अभी न्यू ईयर है, आज लास्ट डे है इस साल का आखिरी दिन। उसके बाद भाई अपना खाने पीने की कर रहे हैं तैयारी, और व्लॉग हो गया मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा। तो भैया अगले व्लॉग में दिखाता हूँ खाने में क्या बनाया। खान साहब हमारे आज के रहेंगे सेफ, जो कि खाना बनाएंगे।